राम कृपाल कंस्ट्रक्शन के दफ्तर में NIA का छापा। टेरर फंडिंग से जुड़ा हो सकता है मामला। पूर्व CS की चहती है कंपनी। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। NIA की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड की चर्चित कंपनी राम कृपाल कंस्ट्रक्शन के दफ्तर पर छापेमारी की। दोपहर शुरू हुई ये छापेमारी देर शाम तक चली। सूत्रों के अनुसार NIA ने टेरर फंडिंग मामले में ये छापेमारी की है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है। जानकारी के अनुसार NIA की टीम दिन में 2 बजे के करीब रांची के कचहरी रोड पर पंचवटी प्लाजा स्थित कंपनी के दफ्तर में पहुंची। वहां टीम ने एक एक फाइल की फोटोकॉपी कराई और फिर उन दस्तावेज को अपने साथ ले गई। टीम ने कर्मचारियों से भी पूछताछ भी की और ये जानने की कोशिश की कि इस कंपनी का काम झारखंड के अलावा और कहां कहां चलता है, किन उग्रवाद ग्रस्त इलाकों में काम करने का ठेका इस कंपनी को मिला है, ठेका कैसे मैनेज हुआ, इस बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। पिछले 5 वर्षों में इस कंपनी को जितने भी ठेके मिले हैं उसके संबंध में भी कर्मचारियों से पूछताछ की गई। छापामारी के दौरान दफ्तर में मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल बंद करा दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में टेरर फंडिंग के दूसरे मामलों की जांच के क्रम में इस कंपनी का नाम सामने आया था। इसके बाद NIA की टीम सबसे पहले कंपनी के प्रोप्राइटर रंजन सिंह के बरियातू के चेशायर होम रोड स्थित आवास पर गई, लेकिन 10 मिनट में ही वहां से लौट गई। इधर NIA की पूरी टीम पंचवटी प्लाजा के आसपास खड़ी थी। संकेत मिलते ही टीम ने कार्यालय को घेर लिया और कार्रवाई शुरू की। रांची पुलिस को पंचवटी प्लाजा के बाहर तैनात किया गया है। बताते चलें कि राम कृपाल कंस्ट्रक्शन झारखंड की पूर्व CS की चहेती कंपनियों में शामिल है। झारखंड विधानसभा का नया भवन इसी कंपनी ने बनाया है और हाई कोर्ट का नया भवन भी यही बना रही है। क्या मामला था? क्या टेरर फंडिंग था? तुम सही समझ पा रहे हैं सर? यस नो बोलिए सर। ये NIA की टीम आप जो है वो आराम से जो पूरी टीम है वो यहाँ पर निकली है और यहाँ अब नीचे उनका जो
फंडिंग से जुड़ा मामला है या नहीं, ये सिर्फ क्लियर कर देते तो ठीक होता। लेकिन कहेंगे किसी भी एनआईए के अधिकारी कुछ भी बातें नहीं कर रहे हैं, ना ही कुछ इसी तरह की बातें बता रहे हैं। तब ये साफ तौर से यहाँ पे गाड़ियों में आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।